ओके देन, तो आज हम लोग करेंगे डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग। यहाँ पे तीन टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तीन डिफरेंसेस है बिटवीन द क्या बोलेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स हैं यहाँ पे। जैसे कि पहला वाला साइको एनालिटिक थ्योरी एंड सेल्फ थ्योरी, ये पहला टॉपिक हो गया जिसमें डिफरेंस हम लोग करने वाले हैं इन दोनों में। दूसरा है हाँ आपका या ऑटोक्रेटिक एंड फ्री रेन स्टाइल ऑफ लीडरशिप, फ्री रेन को डेमोक्रेटिक भी बोलते हैं। और तीसरा है इंट्रा ओके पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट एंड इंटर पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। तो दो वीडियो हम लोग बनाते हैं इसको लेकर के। सबसे पहला जो वीडियो होगा यहाँ पे हम लोग सिर्फ ये जो साइको एनालिटिक एंड सेल्फ थ्योरी है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। देयर आफ्टर सेकेंड वीडियो में जो बाकी का दो टॉपिक है उसको डिस्कस कर लेंगे। बाकी का दो टॉपिक थोड़ा छोटा है तो उसको इत्मीनान से किया जा सकता है, बट ये वाला टॉपिक थोड़ा सा बड़ा भी है, थोड़ा सा समझने की भी आवश्यकता है, जरूरत है, तो इसको हम लोग थोड़ा टाइम देते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सो द डिफरेंस बिटवीन द साइको एनालिटिक थ्योरी एंड सेल्फ थ्योरी, लेट्स स्टार्ट। द साइको एनालिटिक थ्योरी वॉज डेवलप्ड बाई सिगमंड फ्रीड। अकॉर्डिंग टू फ्रीड, ह्यूमन माइंड कंप्राइजेज ऑफ थ्री एलिमेंट्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर शेपिंग द पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। तो पढ़ के तो आपको समझ में आ गया होगा कि तीन एलिमेंट के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है, जो एक तरीके से पर्सनैलिटी को बनाता है किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी पर्सन का। तो ये जो साइको एनालिटिक थ्योरी है इसको डेवलप किया गया था बाय द सिगमंड फ्रेड। ठीक है, तो उनके हिसाब से तीन एलिमेंट होते हैं जिसके बेसिस पे किसी भी आदमी का जो है, किसी भी इंडिविजुअल का जो है, एक पर्सनैलिटी तैयार होता है। अब वो तीन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? वो तीन एलिमेंट्स हैं प्री कॉन्शियस, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस एलिमेंट्स। ये यहाँ पे है प्री कॉन्शियस, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस एलिमेंट्स। द अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड इन्फ्लुएंस्ड बाय हेडोनिस्टिक प्रिंसिपल एंड कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड डिटरमाइंस बिहेवियर। अच्छा, यहाँ पे तीन तरह का माइंड। प्री कॉन्शियस तो आपको समझ में आ रहा है, मतलब कोई चीज करने के पहले जब हम लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं किसी चीज को लेकर के, कॉन्शियस होना किसी चीज को लेकर के, तो वो प्री कॉन्शियस हो गया। कॉन्शियस तो बंदा होता ही है, कुछ भी नया करता है तो वो सोचता है कि क्या होगा नहीं होगा, लाइक कैसे करना है नहीं करना है। पर अनकॉन्शियस में तो लाइक उसको फर्क नहीं पड़ रहा कि क्या करना है कैसे करना है। तो तीन तरह का यहाँ पे बोला जा रहा है। तो जो अनकॉन्शियस माइंड होता है, स्टेट ऑफ माइंड होता है, वो हेडोनिस्टिक प्रिंसिपल, अभी इसको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा डीप में दिया हुआ है, टेक्निकल वर्ड है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो ये एक प्रिंसिपल है जो कि उससे इन्फ्लुएंस्ड होता है। अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड जो है इससे इन्फ्लुएंस्ड होता है। अनकॉन्शियस में बात वही है कि बंदे को फर्क नहीं पड़ रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है या ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है, उससे उसको फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, अनकॉन्शियस है, उसको ध्यान नहीं देना उस चीज के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे लग रहा थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। व्हाइल अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड डिटरमाइंस बिहेवियर, यहाँ पे फिर से वापस से अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड को लिखा हुआ है। खैर, तो दोनों सेम ही हो जा रहा है। खैर, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है ना? तो आई थिंक ये कॉन्शियस माइंड होना चाहिए, ये कॉन्शियस माइंड होना चाहिए मेरे ख्याल से। कॉन्शियस माइंड, स्टेट ऑफ माइंड डिटरमाइंस बिहेवियर। आपका बिहेवियर कैसा है ये तब डिटरमाइन होगा ना जब आपको पता होगा कि आपको करना क्या है। कॉन्शियस माइंड में हम लोग सोच के रखते हैं कि भाई इसको इस तरीके से डील करना है, तो आपका बिहेवियर भी उसी तरीके से होता है। हमारा अप्रोच जिस चीज को लेकर के जैसा होगा वैसा हमारा लाइक बिहेवियर होगा, सिंपल सा बात है। तो ये कॉन्शियस होगा, ठीक है ना, ये अनकॉन्शियस नहीं होना चाहिए, ये कॉन्शियस होगा। इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ। यस, दिस विल बी कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है ना? नहीं, नीचे तो लास्टली अनकॉन्शियस कॉन्शियस दिया हुआ है। लास्टली द कॉन्शियस एलिमेंट इज डायरेक्टेड बाय द रीजन रियलिटी प्रिंसिपल। प्रिंटिंग मिस्टेक है। खैर, तो अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड तो समझ में आ गया। आई थिंक प्री कॉन्शियस ये होना चाहिए। पहला वाला आई गेस प्री कॉन्शियस होगा, दूसरा वाला अनकॉन्शियस ही होगा, और तीसरा वाला जो है हमारा वो रीजन रियलिटी, वो समझ में आ रहा है। द कॉन्शियस एलिमेंट इज डायरेक्टेड बाय रीजन रियलिटी प्रिंसिपल। हाँ, रीजन मतलब चीजों को क्यों करना है, कैसे करना है, इस चीज के बारे में लाइक कंप्लीट हम लोग सोचते हैं, तो वो कॉन्शियस माइंड ही हमारा कर सकता है, वो प्री कॉन्शियस या फिर अनकॉन्शियस माइंड नहीं कर सकता। इसको वापस से कर लेते हैं थोड़ा। प्री कॉन्शियस माइंड होना चाहिए, ये प्रिंटिंग भयंकर प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ प्री कॉन्शियस होगा सबसे पहला, प्री कॉन्शियस एलिमेंट ये पहला होना चाहिए। और यहाँ पे जो है हेडोनिस्टिक प्रिंसिपल से इन्फ्लुएंस्ड होता है। इसका क्या लाइक असर है या इफेक्ट है ये तो समझ में नहीं आ रहा, बट ये चीज हो गया। दूसरा है अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड डिटरमाइंस द बिहेवियर। आई थिंक यहाँ पे इस तरीके से बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप किसी चीज को लेकर के अनकॉन्शियस हो, ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे उस चीज के ऊपर, तो उससे आपका बिहेवियर से समझ में आ जाएगा कि आपका ध्यान नहीं है उस चीज के ऊपर।
ठीक है। और तीसरा जो है कॉन्शियस माइंड, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी आप कर रहे हो उस चीज के लिए आप रीजनिंग वहां पे खोज रहे हो कि मैं इस चीज को करूं तो क्यों करूं। रीजन रियलिटी प्रिंसिपल जो होता है, मतलब कि क्यों करना है, किस लिए करना है, यहाँ पे आप एक तरीके से सोच समझ करके काम को कर रहे हो। सो कॉन्शियस एलिमेंट का यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो पहला प्री कॉन्शियस, दूसरा अनकॉन्शियस, और तीसरा है कॉन्शियस। हाँ आई गेस यही होना चाहिए, बट इसको मुझे एक बार और चेक कर लेना पड़ेगा। ओके, ही डेवलप्ड अ आप चेक करके स्ट्रक्चर मुझे ऑफ ह्यूमन। अपडेट कर दीजिएगा। जी जी हाँ आपने बोला कि आप चेक करके एक बार अपडेट कर दीजिएगा, तभी हो जाएगा इसकी बात। हाँ 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 ही डेवलप्ड अ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन माइंड फॉर एक्सप्लेनिंग पर्सनैलिटी। वो एक स्ट्रक्चर डेवलप करता है ह्यूमन माइंड को लेकर के, जहाँ पे वो पर्सनैलिटी को एक तरीके से एक्सप्लेन कर सके। सो अकॉर्डिंग टू हिम इट्स मेनली कंसिस्ट ऑफ द थ्री एलिमेंट्स एज आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। ठीक है, तो ह्यूमन माइंड जो है तीन चीजों से एक तरीके से मिलकर के जो है बना है, मतलब उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड। तो आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। द आईडी, इट इज द टोटैलिटी ऑफ इंस्टिंक्ट्स दैट आर ओरिएंटेड टुवर्ड्स इंक्रीजिंग प्लेजर एंड अवॉइडिंग पेन्स एंड स्ट्राइविंग द इमीडिएट सेटिस्फैक्शन ऑफ डिजायर्स। वाओ, तो ये टोटैलिटी आपका जो इंस्टिंक्ट होता है किसी भी चीज को लेकर के, जो आपको फील होता है, जैसे कि कुछ अच्छा होने वाला है तो हैप्पीनेस फील होगा, जैसे यहाँ प्लेजर की बात की जा रही है, प्लेजर फील होगा, और पेन को एक तरीके से अवॉइड करना, जो इमीडिएट सेटिस्फैक्शन है अपने डिजायर्स को लेकर के, उसको एक तरीके से ढूंढना, स्ट्राइव करना, तो ये सारी चीजें जो है द आईडी के अंतर्गत आएंगी। ऑन द फाउंडेशन ऑफ आईडी द पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल आर बिल्ड। मतलब एक आदमी का कैरेक्टर जो है वो कैसा है, और ये कम्प्लीटली जो है आपके इंस्टिंक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से, मतलब आपका अप्रोच कैसा है किसी भी चीज को लेकर के, आपको किसी चीज से मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अपना प्लेजर को इंक्रीज करना, कोई चीज अगर हो रही है तो वहां पे एक तरीके से आपको उस चीज में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो आपका पेन है, जो चीज, सपोज कोई चीज से आपको प्रॉब्लम हो रहा है, पेन हो रहा है, तो उस चीज को आप अवॉइड कर रहे हो, ठीक है, मतलब आप अपनी मर्जी से विलिंगली आप उस चीज को अवॉइड कर पा रहे हो, वो आईडी वाले में आ जाएगा। ठीक है, ओके समटाइम्स होता है ना कि हम अवॉइड नहीं कर पाते हैं, बट जिसका माइंड थोड़ा सा स्ट्रांग होता है वो उन चीजों को अवॉइड कर पाता है, तो वो चीज वो कर रहा है। दूसरा है, तीसरा है स्ट्राइविंग फॉर इमीडिएट सेटिस्फैक्शन ऑफ डिजायर्स। तो एक तरीके से ढूंढना, खोजना कि किस चीज से हमें जो है सेटिस्फैक्शन मिलेगा, मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ये दो तीन चीजें हैं जो कि द आईडी के तहत आएंगी, जिसमें एक बंदा जो है लाइक पॉजिटिव चीजों को कर रहा है, जिस चीज में उसको अच्छा, मतलब अच्छा लग रहा है काम को करने में, वो उस चीज को कर रहा है, पेन्स को अवॉइड कर रहा है, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत है। ऑन द फाउंडेशन ऑफ आईडी द पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल्स आर बिल्ड। ठीक है, द ईगो, सो इट इज द एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी। ईगो इज रैशनल एंड लॉजिकल एंड सेलेक्ट्स द फीचर ऑफ द एनवायरमेंट एंड स्टोर्स देम। ईगो के बारे में आपको पता है, लाइक जैसा सिचुएशन होता है उसके अकॉर्डिंग आदमी बिहेव करता है। समटाइम्स लोगों में ईगो चला आता है कि भाई हम इस काम को क्यों करेंगे। सो दिस ऑल डिपेंड्स ऑन द एनवायरमेंट दे आर वर्किंग इन। जिस भी एनवायरमेंट में वो लोग काम कर रहे हैं, लाइक वो एक तरीके से उनके ऊपर अफेक्ट करता है कि मतलब मेरा बिहेवियर अगर बुरा होगा तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होगा, मेरे आसपास कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके कारण से मुझे लगा होगा कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए था, तो वो चीज हाँ यहाँ पे है। तो ये एग्जीक्यूटिव पार्ट होता है पर्सनैलिटी का। सो ये जो बंदा है ना सिगमंड फ्रॉइड, ये एक तरीके से डेफिनेशन दिया है कि किस तरीके से आप अपना कैरेक्टर को समझोगे, साइको एनालिटिक थ्योरी आप करोगे, उसमें ये हाँ तीन चार पॉइंट बोला गया है। ठीक है, तो ईगो वाला तो समझ में आ रहा है कि बंदा लाइक उसका क्यों है वैसा, वो चीज है। इट वर्क्स एज द कॉन्शियस मेडिएटर बिटवीन द रियलिटीज ऑफ वर्ल्ड एंड द आइडियाज डिमांड्स। इसको थोड़ा ठीक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, सो इट वर्क्स एज अ कॉन्शियस मेडिएटर। जो ईगो जो है वो एक मेडिएटर के रूप में काम करता है बिटवीन द रियलिटीज ऑफ द वर्ल्ड एंड द आइडियाज डिमांड्स। मतलब मुझे जो चीज चाहिए, जैसा द आईडी में था कि मुझे जो चीज चाहिए, जैसे मुझे जिस काम में खुशी मिल रहा है मैं उस काम को करूंगा, ठीक है ना। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि आप जब बाहर जाते हो तो आपको वो चीज नहीं मिलता जो चीज आपको चाहिए होता है। ये जो रियलिटी ऑफ वर्ल्ड के बारे में बोला जा रहा है, मतलब यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट्स की बात की जा रही है। तो ईगो जो है एज ए मीडिएटर काम करता है बिटवीन द दीज टू थिंग्स, रियलिटीज ऑफ द वर्ल्ड एंड द आइडियाज डिमांड्स। आपका जो डिमांड है और जो रियलिटी ऑफ वर्ल्ड है,
उसके बीच में मीडिएटर के रूप में काम कर रहा है आपका ईगो। मतलब सपोज आप चाहते हो कि आप एसी में बैठ करके काम करो, बट रियलिटी में जब आप ऑफिस जाते हो आपको एसी नहीं मिलता, और चूंकि आपने पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा किया हुआ है और आप अच्छा एक्सपीरियंस है आपके पास, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो लोग आपको एसी वाला ऑफिस देंगे, बट दे डिडंट गिव यू। सो इन दैट केस यू हैव यू नो थोड़ा बहुत ईगो जो है अपने अंदर आ सकता है कि भाई मेरा तो इतना अच्छा पैकेज था प्रीवियस कंपनी में, मेरे को एसी वाला ऑफिस भी था, इस टाइम तो दिया ही नहीं। तो वो जो ईगो बीच में आ रहा है ना, ये एक्चुअली मीडिएटर के रूप में काम कर रहा है बिटवीन द रियलिटीज ऑफ द वर्ल्ड एंड द आईडीज डिमांड्स। ठीक है, ईगो बीच में आ जा रहा है कि भाई मैं तो नहीं करूंगा यहाँ पे, और समटाइम्स ईगो होता है लेकिन फिर भी आदमी लाइक एडजस्ट कर लेता है उस चीज के बीच में। एडजस्ट कर लेता है। हाँ हाँ, तो ये मीडिएटर के रूप में एक तरीके से ईगो जो है वो काम कर रहा है। अगला है द सुपर ईगो। इट इज अ मोरलिस्टिक सेगमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी दैट कंप्राइजेस ऑफ द नोबेलेस्ट थॉट्स, आइडियल्स, फीलिंग्स दैट आर डेवलप्ड थ्रू एब्जॉर्प्शन ऑफ कल्चर वैल्यूज, कल्चरल वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स। हाँ, हाँ तो ये जो है एक तरह का मोरलिस्टिक सेगमेंट हो जाता है सुपर ईगो की। नहीं, ऐसा ही होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ह्यूमन पर्सनालिटी दैट दैट कंप्राइजेस ऑफ नोबेलेस्ट थॉट्स, सपोज मेरा थिंकिंग है कि डाउरी नहीं लेना चाहिए, ठीक है, तो मैं उस चीज को, मेरे मेरे लिए वो नोबेलेस्ट थॉट है। मतलब मेरे लिए क्या, सभी के लिए एक अच्छा फीलिंग है। आइडियल्स, मेरा आइडियल्स बंदा ये है, मेरा मुझे इस चीज को फॉलो करना है, मेरा आदर्श ये है, मैं ऐसे अपनी लाइफ को जीऊंगा, इस चीज को मुझे इस तरीके से करना है। तो ये बंदा सोच के रखा है कि उसको ऐसे ही करना है, कोई कॉम्प्रोमाइज उसको उस चीज में नहीं करना है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि उसके अंदर सुपर ईगो है, क्योंकि उसको कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं है उस बंदे को। उसका जो नोबेलेस्ट थॉट्स है, जो आइडियल्स है, वो आइडियल्स है, वो उस चीज पे किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। सो दैट विल कम अंडर द सुपर ईगो पॉइंट। ठीक है, ये मोरलिस्टिक सेगमेंट हो जा रहा है ह्यूमन पर्सनालिटी का, जिसके अंदर ये सारी चीजें हैं, नोबेलेस्ट थॉट्स, आइडियल्स एंड फीलिंग्स दैट आर डेवलप्ड थ्रू एब्जॉर्प्शन ऑफ कल्चरल वैल्यूज। जैसे कि हमारे कल्चरल कल्चर में क्या होता है कि डाउरी का जो है प्रथा चलता है, लेकिन सपोज देयर आर फ्यू पीपल्स हु आर लाइक कंप्लीटली अगेंस्ट डाउरी, सो दे विल फील लाइक ना कि ये हमें नहीं करना है, ये हमारा नहीं है, ये हम काम हम नहीं करेंगे। सो उनके अंदर एक तरीके से सुपर ईगो टाइप का डेवलप हो गया कि ये चीज तो गंदी है, ये चीज होना ही नहीं चाहिए इस तरह का, ऐसे गलत है, बट कोई देगा तो थोड़ी मना कर पाओगे आप। तो सबका अपना अपना पर्सनालिटी, अपना अपना थॉट प्रोसेस है काम को करने का। तो वही बात यहाँ पे बोली जा रही है, ठीक है ना, कि उनका अपना आइडियल है और वो एक तरीके से सुपर ईगो की कैटेगरी में आता है कि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं ये चीज होने ही नहीं दूंगा, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। द फोर्थ वन इज द लिबिडो। सो लिबिडो इज अ साइकिक एनर्जी। साइकिक समझ में आ रहा होगा, मेंटल एनर्जी एक तरीके से बोल सकते हैं। साइकिक एनर्जी, इट इज डायनामिक एंड मेक्स एनी सिस्टम टू फंक्शन। तो ये जो है डायनामिक होता है, लाइक गत्यात्मक होता है, हिंदी में हम लोग बोलते हैं गत्यात्मक, चलते रहने वाला चीज है साइकिक एनर्जी। आपका मेंटली जो भी आपका एनर्जी है वो एक तरह से चलते रहता है हमेशा, और ये ऐसा एनर्जी है जो कि आपको काम करने के लिए, आपके सिस्टम को फंक्शन करने के लिए आपको एक तरीके से मजबूर करता है। मतलब यही आपसे काम को करवाता है। जैसे कि कोई बंदा आपको बोले कुछ करने के लिए, तो आप तब तक नहीं करोगे जब तक आपका माइंड आपको बोलेगा नहीं कि भाई चलो कर देते हैं, करते हैं। ठीक है, तो ये साइकिक एनर्जी उसके पीछे काम करता है कि नहीं, माँ ने ये कहा है, पापा ने ये कहा है, तो इस काम को करना है। ठीक है ना, सो इट्स डायनामिक एंड मेक्स एनी सिस्टम टू फंक्शन। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, विशेज आर जनरेटेड बाई द आईडी एंड इट कंपेल्स इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ऑफ दीज डिजायर्स, और एल्स टेंशन इज जनरेटेड फॉर देयर ग्रेटिफिकेशन। वही बात है ना, कि इस थ्योरी के अनुसार आपके दिमाग में जो है आईडी, आईडी जो है यहाँ पे बोला जा रहा है, बंदा वो एक तरीके से जनरेट कर रहा है अपना आइडियाज को, जनरेट कर रहा है कि मुझे इस काम को करना है, ऐसे करना है, और उस काम को करने के लिए आप चीजों को करते हो, आप एग्जीक्यूट, उस प्लान को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हो, पर अगर वो नहीं हो पाता है तो फिर जाकर जाकर के आपके मन में जो है टेंशन वगैरह जो है एक तरीके से जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो लिबिडो इज अ साइकिक एनर्जी, जहां पे बंदा जो है सोच रहा है कि मुझे इस काम को करना है और वो कर रहा है, पर अगर वो नहीं कर पाता है या उसको करने में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो फिर उसको वहां पे जो है टेंशन वगैरह होने लगता है फॉर देयर ग्रेटिफिकेशन, कि काम हो क्यों नहीं पा रहा। इट ट्राइज टू ग्रेटिफाई देम बाई प्राइमरी प्रोसेस एंड रिफ्लेक्स एक्शन। तो वो चीजों को करने की कोशिश करता है अपने एक्शंस के थ्रू, और यही है।
तो ये चार पॉइंट यहाँ पे बताया गया है, हालांकि यहाँ पे सिर्फ तीन ही पॉइंट था, एक पॉइंट यहाँ पे एक्स्ट्रा है, बट आई थिंक दिस साइकिक एनर्जी वाला पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको भी कर लेंगे, ठीक है ना। तो अभी तक जो समझ में आया, साइको एनालिटिक थ्योरी किसी का माइंड किस तरीके से काम कर रहा है, कोई किस तरीके से किस तरीके मतलब अप्रोच कर रहा है किसी काम को लेकर के, मतलब उसकी साइकिक जो है, जो किसी का जो साइकी होता है उसको एनालाइज करने के लिए इस बंदे ने, सिगमंड फ्रॉयड ने एक तरह का थ्योरी डेवलप किया है, जिसमें वो तीन पॉइंट्स, तीन एलिमेंट्स हैं उसके थ्योरी के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, द आईडी, द ईगो एंड द सुपर ईगो। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज थ्री पॉइंट देर इज वन मोर पॉइंट विच इज कॉल्ड द लिबिडो, जो की साइकिक एनर्जी है, जिसमें पॉइंट्स हैं जो मैंने बताया, जो चीजें हैं, ठीक है। तो ये बंदा यहाँ पे करता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे नीचे में कुछ कुछ दिया हुआ है, इसको थोड़ा समझ लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ एन एम्प्लॉई इज नेगेटिव, कोई एम्प्लॉई अगर नेगेटिव है, नेगेटिव इन द सेंस वो हर चीज में उसको नेगेटिविटी नजर परफॉर्मेंस नेगेटिव, हाँ, ही ऑलवेज थिंक्स नेगेटिव, भाई ऐसे क्यों हो गया, ऐसे होना चाहिए था, वगैरह वगैरह इस तरीके से। सो द सुपीरियर स्कोल्ड्स हिम फॉर नॉट परफॉर्मिंग द गिवन टास्क, ही गेट्स हर्ट बाय देयर वर्ड्स एंड सिंस ही कैन नॉट be inconsiderate with the superior, he tries to bear discomfort by withstanding his emotions. तो negative बंदा है, उसको किसी ने डांट दिया, उसके superior ने उसको डांट दिया, तो उसको उस चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ा, वो एक तरीके से उस चीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया, inconsiderate, उसको बहुत ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ा और उसको बुरा तो लगा, he gets hurt by their words, he tries to bear discomfort by withstanding his emotion, वो अपने emotions को लेकर के मतलब रोना रोते रहेगा कि भाई बॉस ने मुझे डांट दिया, नहीं डांटना चाहिए था, ये वो हैं थे, तो वो जो है like इसी उसी चीज के बारे में सुबह शाम सोच रहा है, तो वो अपने लिए discomfort खुद क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना। बुरी चीजों को आदमी को भूल जाना चाहिए, बट ये नेगेटिव बंदा है, ये उसको भूल नहीं पा रहा और बार बार एक ही चीजों को सोच रहा है, तो वो उस चीज को ठीक करने के लिए, अपना इमोशंस को बेहतर बनाने के लिए, अच्छा फील करने के लिए वो क्या करेगा, he does this by break up his truth and bears it. If he fails to endure his emotions, he tries to share the emotions with his close friends. तो या तो वो झगड़ा कर लेगा उसके साथ, यहाँ पे दांत तोड़ने की बात की जा रही है, या तो झगड़ा कर लेगा, या फिर तो लास्ट में जो बात बोला गया कि अगर वो चीज नहीं कर पाता है तो वो अपनी इमोशंस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव एम्प्लॉई का एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक के कैरेक्टर के बारे में बताया गया। नाउ This is called primary process to conquer and nervousness. ठीक है, conquer and nervousness, इसको बोल सकते हैं कि ये primary process है इस चीज को करने का, conquer करने का, nervousness जो feel होता है. If the primary process fails, energy flows to ego. अगर primary process fail कर जाता है तो जो उसकी एनर्जी है वो ईगो पे चली जा रही है, भाई ये तो बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जा रहा है, बहुत डीप जा रहे हैं हम लोग, बिहेवियर में बहुत डीप जा रहे हैं. Which provides sensitivity, बंदा sensitive हो गया, thinking, सोच रहा है, judge कर रहा है और उसको फिर याद करके रख रहा है कि उस बंदे ने मुझे डांटा था, मुझे बेइज्जत किया था, scold किया था, तो ये बंदा जो है धीरे धीरे करके ना पूरे का पूरे प्रोसेस को बताया गया कि वो उसका दिमाग किस तरीके से सोच रहा है. अच्छा, then individual decide for a particular action, ये बंदा कुछ करने की सोचता है. On the other hand, while relating to the secondary process, superego acts as a judge. Superego जो है यहाँ पे as a judge act करता है. Thus, wishes are fulfilled by ego according to the values established by superego. हाँ, बहुत सही है ये. हाँ, superego ने जो एक तरीके से values establish किया है, उसको fulfill करने के लिए वो ego का सहारा लेगा कि भाई ऐसे नहीं होना मुझे चाहिए, वायलेंट बनना है कि वायलेंट नहीं बनना है, ये वो सब बॉस को मुझे सबके सामने नहीं डांटना चाहिए था, डांटना ही था तो प्राइवेट में डांटता, इस तरह का आइडियलिस्टिक थॉट जो है उसके दिमाग में आता है सुपर ईगो वाला, और फिर वो जाकर के उसके ईगो को एक तरीके से फुलफिल करता है, तो फिर जाकर के उसको ईगो पे चढ़ता है भाई कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये गलत हो गया, ये वो एंड ऑल. इफ ईगो इज एबल टू पुट टुगेदर आईडी एंड सुपर ईगो, इंडिविजुअल गेट्स सेटिस्फैक्शन. अगर ईगो, सुपर ईगो और आईडी को एक साथ मिला पाता है तो जाकर के उसको सेटिस्फैक्शन मिलता है, अदरवाइज इट रिजल्ट्स इनटू फ्रस्ट्रेशन बिकॉज सुपर ईगो ट्राइज टू पनिश द ईगो. वाओ वाओ, ये तो पूरा अलग, लाइक मुझे लग रहा है कि मैं इस चीज में मास्टर हो जाऊंगा. सही है,
ये बहुत अच्छा ये लाइन है बेसिक लेकिन पूरा ह्यूमन बिहेवियर, हाँ पूरा बेसिक ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बात किया गया है। मतलब एवरीडे ह्यूमन हाँ लोग यही करता है, बॉस के साथ ना हो, पेरेंट्स के साथ, किसी के साथ भी हो जाए, फैमिली का ये होता रहता है हमेशा। हाँ बट ये जो पूरा कंप्लीट एक थ्योरी बता रहा है ना कि ये ऐसे होता है वैसे होता है, ये सुन करके बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ पूरा हाँ वही एकदम वही, रीजन समझ में आ रहा है। हाँ हाँ सही है। हाँ एकदम वही वही, मतलब डे टू डे। तो हमारा एक सुपर ईगो है और आइडिया है, इसके बीच में अगर साथ में तालमेल अगर बैठ गया तो अच्छी बात है, सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। पर अगर नहीं बैठ पाया तो सुपर ईगो हमारा ईगो को पनिश करेगा और ईगो जो है डेवलप जब होगा तो हम लोग जो है झगड़ा कर लेंगे। अच्छा, कैरी ऑन द एग्जाम्पल, ही द एम्प्लॉइज ट्राइज टू इंट्रोस्पेक्ट हिमसेल्फ एंड लर्न्स टू वर्क टू अवॉइड एनी अनइजीनेस इन द पोटेंशियल। ठीक है, तो जो बंदा है, जो इम्प्लॉई है, वो एक तरीके से इंट्रोस्पेक्ट करने की कोशिश करता है, चेक करने की कोशिश करता है कि क्या सच में उससे कुछ प्रॉब्लम, उससे हुआ है, मतलब क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों बॉस ने मुझे डांटा। तो वो अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचता है कि ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, वगैरह वगैरह जो है वो थोड़ा सा सोचता है। दिस थ्योरी इज सपोर्टिव इन एक्सेप्टिंग द कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल। ये थ्योरी सपोर्टिव है किसी कैरेक्टर, किसी इंडिविजुअल के कैरेक्टर को एक्सेप्ट करने के लिए। हाँ हाँ, इस तरीके से काम करता है। नाउ सेल्फ थ्योरी के बारे में बात करेंगे, ये अलग टॉपिक हो गया, ठीक है। ये हम लोग जो अभी कर रहे थे ये साइको एनालिटिक थ्योरी था। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेल्फ थ्योरी। सो सेल्फ थ्योरी वाज रिकमेंडेड बाय कार्ल रॉजर्स। सेल्फ थ्योरी को एक तरीके से रिकमेंड किया गया था कार्ल रॉजर्स। इट इज ऑल्सो आइडेंटिफाइड एज ऑर्गेनिज्म थ्योरी और फील्ड थ्योरी। लगता है बॉटनी पढ़ने वाले हैं, बायोलॉजी पढ़ने वाला है। ऑर्गेनिज्म थ्योरी और फील्ड थ्योरी, द थ्योरी एम्फसाइज़ेस पर्सन ऑन इनिशिएटिंग, क्रिएटिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग द डिटरमिनेंट ऑफ बिहेवियर विद इन्वायरमेंटल फ्रेमवर्क। ठीक है, तो इस थ्योरी में जो पर्सन का इनिशिएट होगा, क्या वो क्रिएट कर रहा है, किस किन किन चीजों से इन्फ्लुएंस हो रहा है, ये सारी चीजें जो है उसके बिहेवियर का हिस्सा है डेफिनेटली। तो वो इन्वायरमेंटल फ्रेमवर्क के अंतर्गत रह करके इन सारी चीजों का असर जो है उसके जो पर्सन है उसके ऊपर किस तरीके से पढ़ रहा है, या पर्सन किस तरीके से बिहेव कर रहा है अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल फ्रेमवर्क, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। सो एनवायरमेंट का असर जो है एक आदमी के बिहेवियर पे पड़ता है, सिंपल सी बात है। अगर गर्मी बहुत ज्यादा होगी तो आदमी चिड़चिड़ा हो जाएगा, तो एनवायरमेंट का असर जो है बंदे के ऊपर पड़ता है। तो उसका जो असर पड़ रहा है उस चीज को लेकर के यहाँ पे तीन टॉपिक, इनिशिएटिंग, क्रिएटिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग, किस तरीके से उन सब चीजों का असर पड़ेगा इसके बारे में इसमें बोला गया। एलिमेंट्स ऑफ सेल्फ थ्योरी आर एक्सप्लेन्ड। सो ऑर्गेनिजम्स, ऑल पीपल्स आर ऑर्गेनिजम्स, ऑल ह्यूमंस आर ऑर्गेनिजम्स बोल सकते हैं, हम लोग भी एक तरह के ऑर्गेनिज्म ही है। सो ऑर्गेनिज्म इज द पर्सन, इट इज द स्टोरेज स्पेस ऑफ ऑल एक्सपीरियंस, देयरफॉर इट फॉर्म लोकस ऑफ ओरिएंटेशन, इट इज गाइडेड बाय कॉग्निजेंट एंड इनसेंसिबल एलिमेंट्स, देयरफॉर द इंडिविजुअल बिहेवियर इज द रीजन फॉर सेल्फ इवैल्यूएशन एंड एक्सपीरियंसेस। ठीक है, सो वी आर ऑर्गेनिजम्स, हम लोग एक ऑर्गेनिज्म है और हमारे अंदर जो है बहुत ही तरह का एक्सपीरियंस, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस, प्लेजर वाला, हैप्पीनेस, सैड, बैड, वो जितने तरह की एक एक्सपीरियंस होती है वो सारी की सारी हमारे अंदर स्टोर रहती है। ठीक है, और उसके कारण से हमारा एक ओरिएंटेशन बनता है कि ये चीज ऐसी होनी चाहिए थी, इस चीज से हमें खुशी मिल रही है, इस चीज से हमें बुरा लग रहा है, ये सारी की सारी चीजें जो है हमारे हमारे साथ हमारा जो एक्सपीरियंस है, जो स्टोरेज है, उसी से रिलेटेड एक तरीके से होता है। मतलब उसी को बेस बना करके हम एक तरीके से बिहेव करते हैं। ठीक है, इनसेंसिबल एलिमेंट्स, देयरफॉर द इंडिविजुअल बिहेवियर इज द रीजन फॉर सेल्फ इवैल्यूएशन। तो इंडिविजुअल बिहेवियर जो होता है वो रीजन होता है सेल्फ इवैल्यूएशन का एंड एक्सपीरियंसेस का। हमारा बिहेवियर एक तरीके से इवैल्यूएट करेगा कि मतलब हम किस तरीके के हैं, हमारा सेल्फ इवैल्यूएशन किस तरीके से हो रहा है ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, तो ये पहला पॉइंट था। मतलब एज ए बींग बींग ह्यूमन बींग या फिर बींग ऑर्गेनिज्म, हमारे पास बहुत तरह के फीलिंग्स हैं, बहुत तरह की एक्सपीरियंसेस हैं जो कि हम स्टोर करके रखते हैं, और उसके बेसिस पे हमारा जो बिहेवियर है वो बनता है चीजों को लेकर के। ठीक है, नेक्स्ट है फिनोमिनल फील्ड। फिनोमिनल फील्ड सिग्निफाइज इंटायरली होना चाहिए था। एंटायरटी हाँ, एंटायरटी फिनोमिनल फील्ड सिग्निफाइज इंटायरली ऑफ ऑल अंडरस्टैंडिंग असेंबल्ड बाई इकोलॉजिकल कम्युनिकेशन। अरे यार, ये कुछ ज्यादा ही साइंटिफिक गुजरा है, इकोलॉजिकल कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू द थ्योरी। तो
Fulfillment of self-actualization requirement in the basic motivator, it is prohibited by surrounding in which the person lives. Lives. ये तो कुछ समझ में नहीं आया. तो इस थ्योरी के अंतर्गत फुलफिलमेंट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इसको थोड़ा सा ना देखना पड़ेगा इस वाले पॉइंट को. इट इज प्रोहिबिटेड बाय सराउंडिंग्स इन व्हिच अ पर्सन लिव्स. आई थिंक फिनोमिनल फिनोमिना तो लाइक बोला जाता है कि जो बहुत ही अच्छा होता है किसी चीज को लेकर के, कुछ यूनिक जो चीजें होती हैं, फिनोमिनल फील. आई गेस वहां के बारे में इसमें बोला जा रहा है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात की जा रही है, सेल्फ रियलाइजेशन की बात की जा रही है, आई गेस कि किस तरीके से चीजों को लाइक होना चाहिए, करना चाहिए. मोटिवेटर की हां, क्योंकि बेसिक मोटिवेटर की बात हो रहा है तो बेसिक मोटिवेशन अंदर से ही आता है. हाँ, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बंदे को खुद से रियलाइज करना पड़ेगा कि ये चीज मुझे को, मेरे को करना है. तो बेसिक मोटिवेटर तो वही है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ही है, मुझे इस चीज को करना है. तो फिनोमिनल फील्ड आई गेस उसी चीज को डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा है कि हमारा जो जो मोटिवेटर जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ही होता है. मतलब कोई बंदा आकर के आपको मोटिवेट कर सकता है, बट जब तक आप अंदर से मोटिवेटेड नहीं रहोगे आप काम को नहीं कर पाओगे, नहीं हो पाएगा. हाँ, तो यहाँ पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आई थिंक उसी की बात की जा रही है. और सेल्फ इट इज प्रोहिबिटेड बाय द सराउंडिंग्स इन विच अ पर्सन लिव्स. एक व्यक्ति जिस सराउंडिंग्स में रहता है उसको ये प्रोहिबिट करता है, फिनोमिनल फील्ड उस चीज को प्रोहिबिट करता है. आई डोंट नो कि दोनों में क्या एक तरीके से कनेक्शन है. खैर, दूसरा पॉइंट समझ में तो आ रहा है एटलीस्ट, कि मोटिवेटर की बात की जा रही है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेल्फ कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, इस पे मूव ऑन करते हैं. इसको थोड़ा सा मैं एक बार और देख लूंगा, ठीक है? ये काफी पहले किया था ना तो दिमाग में भी नहीं है. ठीक है, ठीक, ठीक है. सेल्फ कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं. तो सेल्फ कॉन्सेप्ट नाम से ही पता चल रहा है, सेल्फ कॉन्सेप्ट तो हमारा क्या कंसेप्ट है किसी चीज को लेकर, तो उसके बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है. तो सेल्फ कॉन्सेप्ट इज द रिजल्ट विच फॉर्म्स फाउंडेशन फॉर पर्सनल बिहेवियर एंड इंडिविजुअलिटी. ठीक है ना? तो जो बात बोला वही चीज है कि आपका अप्रोच, आपका पर्सपेक्टिव, आपका थिंकिंग किसी चीज को लेकर के कैसा रहेगा, ये आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट डिटरमाइन करता है. ठीक है, आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट जिस चीज को लेकर के जैसा रहेगा, आपका बिहेवियर भी उसी तरीके का होने वाला है. ठीक है, तो सेल्फ इज अ मिक्सचर ऑफ परसेप्शन, एटीट्यूड, आइडियाज, वैल्यूज एंड ट्रेट्स. इट कैरेक्टराइजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ आई एंड मी. ठीक है, आई एंड मी का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको ये कैरेक्टराइज करता है. इन दिस कॉन्टेक्स्ट आई इंडिकेट्स वन्स ओन साइकोलॉजिकल प्रोसेस. आई इंडिकेट करता है किसी बंदे का अपना जो साइकोलॉजिकल प्रोसेस है. देयरफॉर इट इज कॉल्ड सेल्फ. मी इज रिलेटेड टू द थिंकिंग ऑफ इंडिविजुअल एज हाउ टू हाउ ही अपीयर्स टू अदर्स. ठीक है, जैसे जापानीज में भी, लाइक जापानीज का माइथोलॉजी थ्योरी में भी बोल सकते हैं, बोला जाता है एक्चुअली कि एक बंदे का तीन पर्सनैलिटी होता है. एक पर्सनैलिटी जो खुद के लिए रखता है, जिसके लाइक एक मतलब कुछ इस तरीके से था वो चीज कि एक बंदे का तीन चेहरा होता है. ठीक है, सुनंदो, तीन चेहरा होता है. एक वो होता है जो कि वो खुद के लिए रखता है, जो सिर्फ उसको पता होता है अंदर से कि वो बंदा कैसा है. दूसरा फेस होता है जो कि वो अपने घर वालों के लिए रखता है, कि घर वालों के नजर में मेरे को अच्छे बन के रहना है वगैरह वगैरह. तो ये दो दो फेस हो गया. और तीसरा फेस हो गया जो उसके दोस्तों के साथ होता है. मतलब दोस्तों के साथ है तो वो अपना चिल कर रहा है, लेकिन घर पे आ रहा है तो पूरा शरीफ हो जा रहा है. ठीक है ना? और खुद में जो अपना जो चीज होता है, बहुत सारा ऐसा बात होता है जो कि हम लोग दूसरों के साथ शेयर नहीं करते हैं, खुद तक रखते हैं, सेल्फ तक रखते हैं. ठीक है, सो दैट इज द फर्स्ट फेस. ठीक है ना? वो लाइक अपने तक ही हम रखते हैं, वो हम घर वालों से भी शेयर नहीं करते, वो अपने में ही रहता है. मुझे कैसा फील हो रहा है किसी चीज को लेकर के, बहुत सारा ऐसा चीज होता है जो कि सिर्फ मुझे ही पता है. तो वो एक फर्स्ट फेस हो गया. सेकंड फेस हो गया जो फैमिली के साथ जैसा हमारा बिहेवियर है, जैसा हमारा तरीका है. और तीसरा हो गया जैसा बिहेवियर हमारा दोस्तों के साथ है. तो ये उसी तरीके से यहाँ पे आई गेस समझाने की कोशिश की जा रही है कि आई जो हो गया वो सेल्फ के लिए हो गया, और मी जो हो गया मुझे किस तरीके से सामने दूसरे के सामने अपीयर होना है, या मुझे किस तरीके से दूसरे के साथ बिहेव करना है, ये वो वाला पॉइंट है, मी वाला. ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली इट इज कॉल्ड सोशल सेल्फ. ठीक है, इसको सोशल सेल्फ बोला जा रहा है. एज अ रिजल्ट बोथ पर्सनल सेल्फ एंड सोशल सेल्फ डिटरमाइंस इंडिविजुअल बिहेवियर.
ठीक है ना। तो ये तीसरा जो मैंने बोला ना वो यहाँ पे नहीं बोला गया है। आई और मी की बात की जा रही है, तो आई में हो गया आपका अपना ओन सेल्फ, मी में हो गया कि आप खुद को किस तरीके से दुनिया वालों के सामने प्रेजेंट करते हो, ठीक है। उसको एक तरीके से बोला जा रहा है सोशल सेल्फ, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट बोथ पर्सनल सेल्फ एंड सोशल सेल्फ डिटरमाइन इंडिविजुअल बिहेवियर। आपका बिहेवियर कैसा होगा ये आउटकम होगा आपके दोनों सेल्फ का, पर्सनल सेल्फ का और सोशल सेल्फ का, ठीक है। इंडिविजुअल बिहेवियर इसके ऊपर डिपेंड करता है, इन दोनों सेल्फ्स के ऊपर। नाउ सेल्फ थ्योरी प्रोवाइड्स प्रीशियस डायरेक्शन इन एक्सेप्टिंग बिहेवियर। दिस थ्योरी इज ऑर्गेनाइज्ड अप्रोक्सीमेटली फॉर द पर्सन एंड नॉट अराउंड सिचुएशन व्हिच इज अनमैनेजेबल, ठीक है। तो सेल्फ थ्योरी प्रोवाइड कर रहा है प्रीशियस डायरेक्शन कि हमें लाइक कैसे बिहेव करना चाहिए या किस तरह का बिहेवियर हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। समटाइम्स हम बोलते हैं ना कि उसका बिहेवियर मुझे सही नहीं लगा, तो आपको सही इसलिए नहीं लगा क्योंकि आपने सोच के रखा है कि एक बंदे का बिहेवियर ऐसा होना चाहिए। तो आपका सेल्फ थ्योरी है, सेल्फ कंसेप्ट है उस चीज को लेकर के कि उस बंदे का बिहेवियर ऐसा होना चाहिए, बट अगर उस बंदे का बिहेवियर अगर सही नहीं है तो हम उसके बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो सेल्फ थ्योरी प्रोवाइड करता है एक प्रीशियस डायरेक्शन जो कि दूसरे के बिहेवियर को एक्सेप्ट करता है नहीं करता है, वो सेलेक्ट सब आपके ऊपर है। दिस थ्योरी इज ऑर्गेनाइज्ड अप्रोक्सीमेटली फॉर द पर्सन एंड नॉट अराउंड सिचुएशन। तो ये जो थ्योरी डेवलप किया गया है ये लोगों को लेकर के डेवलप किया है, ना कि उनके सिचुएशन के अकॉर्डिंग डेवलप किया गया है। मतलब किसी बंदे का बिहेवियर अगर बहुत ही खराब है तो उसके पीछे में भी कुछ ना कुछ रीजन हो सकता है ना। रीजन तो अगर रीजन को समझेंगे तो हो सकता है उसका बिहेवियर आपको जस्टिफाइबल लगे, आपको लगे कि भाई जस्टिफाई, चलो ठीक है उसका बिहेवियर ऐसा है क्योंकि सिचुएशन खराब था उसका, इसलिए उसने ऐसा बिहेव किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम लोग सिचुएशन को इग्नोर करेंगे, सिचुएशन कैसा भी रहे बट एक बंदे का बिहेवियर कैसा होगा वो हमारा सेल्फ थ्योरी, जो हमारा सेल्फ कंसेप्ट है, वो पहले से सोच के रखता है कि ऐसा बिहेवियर होना चाहिए। सिचुएशन के ऊपर हम लोग को नहीं जाना है क्योंकि वैसे अगर ध्यान देंगे तो सब, जैसे हम लोग अभी बोलते नहीं है थैनोस जो आकर के यू नो स्नैप करके जो गया था मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, आप देखते हो एवेंजर्स? मैं डीसी का फैन हूँ। हाँ? मैं डीसी का फैन हूँ, मतलब बैटमैन यूनिवर्स का, वो अलग है, दो कौन सा अलग यूनिवर्स? यूनिवर्स है ना, बैटमैन सुपरमैन जो जस्टिस अच्छा लीग अच्छा वाला डीसी यूनिवर्स डीसी है। ओके 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 ओके। हाँ डीसी। तो डीसी में भी अगर देखा जाए तो जितने भी सारे लाइक विलन्स होंगे उनके बिहेवियर के पीछे उनका यू नो उनका हाँ काम करने ऑब्वियसली के बैक तरीके के स्टोरी है, पीछे, बहुत ज्यादा हाँ कोई ना बैक कोई स्टोरी है। स्टोरी होता है। हाँ तो अपन लोग लेकिन हाँ जज किस बेसिस पे करते हैं, उसका स्टोरी तो नहीं देखते हैं ना, हम लोग उसके बिहेवियर के बेसिस पे उसको जज करते हैं कि बंदा गलत कर रहा है, ठीक है। तो सिचुएशन पे नहीं जाना है, ये बात यहाँ पे बोली जा रही है, विच इज अनमैनेजेबल। आप सिचुएशन को मैनेज नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब मी आई कैन नॉट मैनेज योर सिचुएशन, है ना। आपका बिहेवियर को मैं जज करूंगा, आपके बिहेवियर को देख करके मैं बोलूंगा कि भाई तेरा बिहेवियर ठीक नहीं था, ऐसे मैं आपको बोल सकता हूँ, लेकिन आपके सिचुएशन को मैं मैनेज नहीं कर सकता। दैट इज अप टू यू दैट हाउ यू मैनेज योर सिचुएशन, ठीक है। तो यहाँ पे सिचुएशन को इग्नोर करना है और सिर्फ बिहेवियर को ध्यान में रख करके हम लोग जो है एक तरीके से जज करते हैं लोगों को कि उसका बिहेवियर कैसा है, ठीक है। सो ये थोड़ा सा थ्योरी काफी लॉन्ग हो गया और क्लास भी अब खत्म होने वाला है, ठीक है। जो लिंक मैंने शेयर किया था ना सुनंदो, उसी लिंक के ऊपर वापस से ज्वाइन कीजिए, अच्छा अच्छा ओके ओके ठीक है। मैं थ्योरी क्लास खत्म करता हूँ ये वाला, फिर अगला टॉपिक पे बाकी जो दोनों टॉपिक है अगला क्लास में बाकी दोनों टॉपिक को कर लेते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये थोड़ा ओके बहुत तो समझ में आ गया होगा आपको, हाँ। ठीक है ना। इसको थोड़ा सा रीड ओवरऑल कीजिएगा, समझ आ गया है। हाँ इसको रीड कीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। और ये जो स्टार्टिंग में हम लोग से ओके थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, आप हम लोग से नहीं मेरे से, ये अनकॉन्शियस कॉन्शियस, इसको थोड़ा सा मैं देख लूंगा फिर मैं आपको अपडेट कर दूंगा, हाँ। ओके ओके ठीक ठीक है। ठीक ओके देन, तो अगले क्लास में मिलते हैं थोड़ी देर में, उसी के थ्रू ज्वाइन कीजिए, ठीक है। 4 मिनट में खत्म ओके हो जाएगा ये, इसलिए अब नया क्लास पे ही ज्वाइन करते हैं। ओके 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 देन।